दोस्तों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या किसी भी तरह के रिकॉर्ड को अपने नाम कराना एक बड़ी उपलब्धि होती है। लोग विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और जब विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको ऊंचाई का सामना करना पड़े तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि ऊंचाई किसी की भी जान ले सकती है। इतनी ऊंची जगहों पर केवल एक गलती आपको मौत के मुंह में धकेल सकती है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे ही बेहद खतरनाक और जानलेवा स्टंट के बारे में, जिन्हें देखकर आपके भी पैर कांपने लगेंगे। तो मैं हूँ आपका दोस्त दक्ष, और आप देख रहे हैं अमेजिंग टॉप 5। रॉक क्लाइंबिंग। एलेक्स जे होनॉल्ड एक अमेरिकन रॉक क्लाइंबर हैं, जिन्होंने अपनी पहली चढ़ाई योशेमिते एल कैप्टियन पर पूरी की थी। 32 साल के एलेक्स ने इस 3000 फीट ऊंची पहाड़ी को केवल 3 घंटे और 56 मिनट में पार कर लिया था, वो भी बिना किसी रस्सी और सुरक्षा के। अगर आप इस पहाड़ी को देखें तो सच में ये किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। और इस तरह से रॉक क्लाइंबिंग करना एक बेहद जानलेवा काम है, जिसमें हर साल कई लोग मारे भी जाते हैं। लेकिन यदि इंसान को एलेक्स की तरह अपने ऊपर भरोसा हो तो वो शांत मन से इस तरह की खतरनाक क्लाइंबिंग करने में भी महारत हासिल कर सकता है। स्की ऑन द एज। दोस्तों, जो व्यक्ति इस वीडियो में स्की कर रहा है, उसने ये साबित कर दिया कि उसके हौसले स्टील जैसे मजबूत हैं, जब उसने इस बेहद ऊंची पहाड़ी पर स्की की थी। और आप देख सकते हैं कि ये ऊंचाई कितनी है। अगर यहाँ से कोई व्यक्ति गिरे तो उसकी लाश भी मिल पाना मुश्किल है। ये पहाड़ी 14,692 फीट ऊंची है, जो यूरोप की कुछ सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक है। और इस दिल दहला देने वाले स्टंट को करना वाकई एक जाबाज के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। रोप वॉकिंग। दोस्तों, रोप वॉकिंग आपने बहुत से सर्कस शो में देखी होगी, लेकिन इस तरह की खतरनाक और जानलेवा रोप वॉकिंग शायद आप जिंदगी में पहली बार देखें। ये वीडियो एक फ्रेंच मैन की है, जिसका नाम सेबेस्टियन मॉन्टेज है, और उसने इस वीडियो को अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया था, जिसे देखकर किसी के भी पसीने छूट सकते हैं। उन्होंने 2 इंच चौड़ी स्टील केबल पर बिना किसी सेफ्टी के इस दिल दहला देने वाले स्टंट को पूरा किया था। और बिना सेफ्टी केबल इस स्टंट को करने का मतलब है कि यदि वहां उनसे हल्की सी भी चूक होती तो वो सीधे हजारों फीट नीचे खाई में जा गिरते। विंग सूट थ्रू नैरो केव। अलेक्जेंडर पॉली नाम के इस शख्स ने दुनिया में अपना दबदबा बनाने के लिए कुछ ऐसा किया जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। अलेक्जेंडर ने इस स्टंट को करने के लिए एक ऐसी पहाड़ी को चुना जो केवल 2 मीटर चौड़ी थी, और उसे 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस 2 मीटर चौड़ी दरार से निकलना था। ये स्टंट इसीलिए बेहद खतरनाक था क्योंकि यहाँ अगर उनकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी गलती होती तो उनका शरीर किसी चट्टान से जा टकराता और उनके चीथड़े उड़ जाते। लेकिन उन्हें अपने ऊपर भरोसा था, जिस वजह से उन्होंने इस खतरनाक स्टंट को भी कर दिखाया। एस्केप फ्रॉम वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के अंदर गोल गोल घूमना यकीनन कोई अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल एस्केप आर्टिस्ट रिक मैसविले ने अपने हाथ और पैरों को हथकड़ियों से बांधकर वॉशिंग मशीन में जाने का फैसला किया, और बिना किसी की सहायता के अपनी हथकड़ियां खोलकर वॉशिंग मशीन से बाहर आने का चैलेंज एक्सेप्ट किया। इस स्टंट के दौरान रिक को वॉशिंग मशीन में गोल गोल घूमते हुए हथकड़ियां खोलनी थी और बाहर भी आना था। इस दौरान उनके ऊपर काफी सारा क्लीनर और वॉशिंग पाउडर भी डाला गया था, जिससे उन्हें इस काम को करने में और ज्यादा परेशानी हो। लेकिन काफी समय तक मशक्कत करने के बाद आखिरकार रिक ने इस स्टंट को पूरा किया, और वो अपनी हथकड़ियां खोलते हुए वॉशिंग मशीन से बाहर आ गए, जो सच में बेहद शॉकिंग था। एक्सट्रीम पार्कर। इस आदमी ने सांसें रोक देने वाली 250 मीटर ऊंची क्रेन पर इस स्टंट को फिल्माया था, जो क्रेन के सभी संकरे हिस्सों पर चल रहा था और अपनी जान को जोखिम में डालते हुए इस स्टंट को फिल्मा रहा था। और आप समझ सकते हैं कि ये कोई समझदारी भरा काम बिल्कुल भी नहीं था। क्या आप कभी कुछ ऐसा कर सकते हैं? कमेंट जरूर करें।
सर्फिंग एट 100 फीट वेव। दोस्तों गैरेट मैकनमैरा एक अमेरिकन प्रोफेशनल बिग वेव सर्फर हैं, जिन्हें इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से जाना जाता है। जब इन्होंने पुर्तगाल में एक बेहद बड़ी लहर पर सर्फिंग की थी और ये मौत के मुंह से बाहर आए थे, लेकिन अब इन्होंने 100 फीट ऊंची सुनामी की लहरों पर सर्फिंग करते हुए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इस स्टंट को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। दोस्तों आप सभी का क्या मानना है इन लोगों के बारे में कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए। मेरे साथ आखिर तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।